इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेवन चैप्टर लवली वन। लवली मीन्स प्यारा, तो प्यारा छंद। येलो लो पार्ट में दिया हुआ, यू मस्ट हैव सीन द मून एट नाइट। अवश्य रात में चांद को देखे होंगे। व्हाट डू यू फील व्हेन यू सी इट। जब आप इसको देखते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं, तो अच्छा ही महसूस करते होंगे। व्हाट टाइप ऑफ लाइट डज इट स्प्रिट, किस प्रकार की रोशनी यह छितराती है, मतलब ये देती है, तो अच्छी रोशनी देती है, ठीक ना, उजली उजली व्हाइट व्हाइट रोशनी। एक क्या लिखा हुआ, लवली मून कम सुन कम सुन। ठीक है, तो ये जो कवि यहाँ बोलते हैं, बोलते तो प्यारे प्यारे चांद जल्दी आओ द सन हैज गोन टू द वेस्ट, सूरज पश्चिम में चला गया है। पश्चिम मतलब सूरज पूर्व में उगता है तो पश्चिम में चला गया, यानी वो डूब गया है, सूरज डूब गया है और तुम जल्दी आओ। द नाइट हैज अराइव्ड इन हेस्ट, रात बहुत जल्दी जल्दी आ चुका है, लेकिन चांद क्या, चांद अभी दिखाई नहीं पड़ रहा, इसलिए क्या ये जो उसकी माँ है ये बोलती है ये कि जल्दी आओ रात आ चुका है, लेकिन तुम कहाँ हो चांद को, चांद को बोलते तुम कहाँ हो, तुम आओ। नाउ डार्कनेस इज ऑल अराउंड, हाउ कैन वी प्ले ऑन द ग्राउंड। तो अब सभी चारों ओर अंधेरा छा गया, हम लोग ग्राउंड में अब कैसे खेल सकते हैं, जब चांद का प्रकाश रहेगा तो क्या होगा, जैसे पूर्णिमा में क्या पूरी तरह चांद का प्रकाश रहता है और बाकी दिन ऐसे लाइट रहता है तो दिखाई पड़ता है कुछ, ठीक है। तो बोलते हैं कि ग्राउंड में हम कैसे खेलेंगे रात में। यू आर द ओनली सोर्स ऑफ लाइट फॉर मिलियंस ऑफ पीपल एट नाइट, तो तुम ही प्रकाश का स्रोत हो, एकमात्र स्रोत हो, ठीक ना, क्या लाखों लोगों के लिए रात में। गाँव में पहले क्या, जहाँ बिजली नहीं होता था तो यही रहता था, चांद ही प्रकाश का एकमात्र स्रोत होता था, जब बिजली गांव में नहीं रहता था तो। आगे बोला जा रहा है, बेबी सी यू विद ए ग्रेट डिलाइट, मदर सिंग लुलाबीज एट नाइट। ठीक है, जो शिशु हैं, जो बच्चे हैं, बहुत खुशी से तुम्हें देखते हैं, और जो माताएं हैं वो रात में तुम्हें देखकर लोरियां सुनाती है, ठीक है, लोरियां गाती है, और बच्चे तुम्हें देखते देखते और लोरियां सुनते सुनते सो जाते हैं। कम सुन विद प्लेजिंग लाइट रिमूव द डार्कनेस ऑफ द नाइट, तो आनंददायी प्रकाश के साथ तुम जल्दी आओ और रात के अंधेरों को दूर कर दो। मेक आवर अर्थ ब्यूटिफुल एंड ब्राइट, वॉन्ट यू कम इन द शेप ऑफ ओ, तो आओ और हमारी पृथ्वी को सुंदर और बहुत ही प्रकाशमय कर दो। क्या तुम ओ के शेप में नहीं आ सकते हो, ओ के शेप में मतलब क्या, पूर्णिमा में क्या होता है, चांद पूरी तरह गोल दिखाई पड़ता है तो बहुत प्रकाश देता है, तो उसकी माँ बोलती है, जो बच्ची की माँ है बोलती है कि ओ के शेप में आओ, मतलब पूरी तरह गोल आओ, ताकि मतलब और क्या बहुत ज़्यादा प्रकाश दो, ठीक है। एक होता है अमावस्या, अमावस्या के दिन क्या चांद नहीं दिखाई पड़ता, पूरी तरह अंधेरा रहता, और फिर पूर्णिमा के दिन में ऊपर इतना गोल होता और बहुत प्रकाश देता। टू लाइट द हार्ट्स ऑफ द पुअर एंड लो, तो क्या तुम ओ के शेप में नहीं आ सकते हो, अगर आओगे तो क्या आओ और क्या, गरीबों के जो छोटे छोटे झोपड़ियां हैं उसको प्रकाशमय कर दो, क्योंकि गरीबों के छोटे छोटे झोपड़ियों में बल्ब प्रकाश का कोई स्रोत होता नहीं है, बिजली नहीं रहता, क्योंकि वो गरीब होते हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं कि आओ और गरीबों का जो झोपड़ी है उसमें प्रकाशमय कर दो। यू आर काइंड टू ऑल मैनकाइंड, गिव अस प्लेजर एंड पीस ऑफ माइंड, तुम सभी मानवता के लिए दयालु हो। ये जो प्रकाश है ना, जो चांद प्रकाश देता है, सभी को प्रकाश देता है, ठीक है, सभी को। गिव अस प्लेजर एंड पीस ऑफ माइंड, और आकर हमें आनंद दो और दिमाग की, ठीक ना, और दिमाग की शांति प्रदान करो, क्यों रात में जब बच्चे लोरियां सुनते हैं माँ से, माँ चांद को प्रकाश चांद को देखकर लोरियां गाती है, तो बच्चे बहुत शांत हो जाते हैं, आराम से सो जाते हैं, और रात में सभी लोग काम करके आते हैं तो थक जाते हैं, तो चंद्रमा के प्रकाश में आराम से वो सोते हैं, चंद्रमा को देख देख कर, कहाँ गाँव के लोग। वी विल स्लीप इन योर लैप एट नाइट, हाउ ब्यूटिफुल इज द मून लिट नाइट, तो हम लोग रात में तुम्हारी गोद में सोएंगे। हाउ ब्यूटिफुल इज द मून लिट नाइट, तो कितना बहुत सुंदर होता है रात में जब चंद्रमा प्रकाश देता है,
तो पूरा प्रकाशमय रात बहुत ही सुंदर होता है। यह बोला जा रहा है इसमें क्या है, बी पॉइंट वन ट्रू एंड फॉल्स है। लिखा हुआ द सन सेट्स इन द ईस्ट, तो सूरज पूर्व में डूबता है तो क्या है, गलत है। पूर्व में क्या होता है, उगता है, हो जाएगा फॉल्स। इन द डार्क नाइट द मून इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट, तो अंधेरी रात में प्रकाश का सिर्फ एकमात्र स्रोत चंद्रमा होता है। तो सही है, गांव में बिजली तो नहीं नहीं होता, तो अब बिजली आ गया। लेकिन ये कहाँ जो कविता वो क्या बहुत पहले की है, जब गांव में बिजली नहीं था। मदर्स सिंग लुलाबीज एट नून, तो माताएं दोपहर में लोरियां गाती हैं, दोपहर में नहीं गाती कब, रात में गाती हैं। तो थ्री में हो जाएगा फॉल्स। इसमें क्या हुआ, टिक द करेक्ट आंसर। तो जो तीन ऑप्शन है, एक दो तीन, तो जो करेक्ट है, जो सही है, उसको टिक मारना। करेक्ट मीन्स होता सही। लिखा हुआ द पोएट रिक्वेस्ट द मून टू राइज इन द शेप ऑफ, तो कभी चंद्रमा से विनती करते हैं कि वो किस आकार में आए, तो किस आकार में, ओ के शेप में आए, ताकि वो ज्यादा प्रकाश दे, आधा अधूरा नहीं है। द मून लाइट इज डिस्क्राइब्ड एज बींग काइंड टू, तो चंद्रमा के प्रकाश को वर्णन किया गया कि वो सभी के मतलब किसके प्रति दयालु है, तो एवरीवन हर किसी के प्रति दयालु है, वो हर किसी को चंद्रमा प्रकाश देते हैं।